तो ये आगे हमारा पैकेट, चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू और दिखाते हैं इसमें ऐसा क्या है। आप देख रहे हैं BR Tech Films, अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR Tech Films में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और ये है जूक्स कंपनी का X1 Jam Sports True Wireless Earbuds। तो ये ट्रू वायरलेस एयरबड्स हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि ये जो एयरबड्स हैं यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो अभी खोल के देखेंगे कि किस तरह की यहाँ पे हमको चीज़ें मिलती हैं। ये कंपनी जो है ये INC इनकॉर्पोरेटेड है, US में इसका एक ऑफिस है, और ये पैकेट मेरे पास आया है सिंगापुर से, और यहाँ पे पैकेट के पीछे लिखा हुआ है 12 मंथ्स वारंटी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इंटरनेशनल शॉपिंग पे भी हमको ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि कस्टमर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर हमको कोई वारंटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ये ब्लूटूथ वर्जन 5 पे काम करता है, और बाकी एयरफोन्स की तरह ही ट्रू वायरलेस एयरफोन्स ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है जब इसको केस से बाहर निकालते हैं। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यार पैकेजिंग तो काफ़ी तगड़ी कर रखी है इन्होंने, हो सकता है कि प्रोडक्ट भी काफ़ी तगड़ा हो। तो खोल के अब इसको देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। इतने सारे पैकेट पे पैकेट पैकेट पे पैकेट खोले जा रहे हैं, चलिए इसको भी खोल लेते हैं। अब यहाँ पे ये रहे हमारे एयरफोन्स, अब इनको साइड में रखते हैं। भी एयरफोन्स बोले नहीं, नहीं एयरबड्स बोलेंगे हम इनको। ये रहा हमारा यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इन एयरबड्स में हमें टच सेंसर मिलता है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, यूज़र मैनुअल से पता चला। यहाँ पे हमको दो चीज़ें और मिल जाएंगी, एक मिल जाएगी हमें ये टाइप सी वाली केबल। तो ये ही जो है मैं इसके लिए ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि टाइप सी वाले ट्रू वायरलेस एयरबड्स अभी तक मैंने कोई देखे नहीं थे। तो फर्स्ट टाइम मैं टाइप सी जो केबल है उसका किसी ट्रू वायरलेस एयरफोन पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे टाइप सी केबल साथ में मिलती है हमें, चार्जिंग केबल, तो ये बढ़िया है। पावर बैंक से या अपने मोबाइल के अडेप्टर से हम 2 amps वाले से इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिलती हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, रिकमेंडेड साइज़ जो भी होगा आपके ईयर्स पे उस हिसाब से। ये रहा ये ट्रू वायरलेस एयरबड्स, तो ये टाइप सी चार्जिंग यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे 4 सिग्नल है लाइट के आगे। और ये रहे हमारे एयरबड्स, मैग्नेटिक हैं तो गिरने नहीं वाले। अब ये रहा राइट वाला एयरबड, तो यहाँ पे ये जो है टच सेंसर है ऊपर, इसके कोई बटन्स नहीं है, ये लेफ्ट। तो ये जो चार्जिंग केस है इसकी 950 mAh की बैटरी है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में ये चार्जिंग केस चार्ज हो जाता है और आपके एयरफोन्स को 2 से 3 बार ये चार्ज कर देता है। तो पैकेजिंग जितनी अच्छी है उस हिसाब से प्रोडक्ट काफ़ी लाइट है। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं चार्जिंग के, तो वो भी हम टेस्ट कर लेंगे चार्जिंग किस तरह से काम करती है। और बॉक्स जो है इसका, ये चार्जिंग केस बहुत ज़्यादा लाइट है, जिस तरह से मैंने और भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करे हैं और बहुत सारे एयरबड्स के, उस हिसाब से काफ़ी लाइट लग रहा है चार्जिंग केस, लेकिन एयरबड पकड़ने में भी ठीक लग रहा है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से मैंने पहले एयरबड्स दिखाए उस हिसाब से इसकी क्वालिटी उनसे तो कम है। मैग्नेटिक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइंड बाय जूक्स INC कैलिफोर्निया US। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, अभी आप इसे खरीद नहीं पाएंगे, यह एक्सक्लूसिव लॉन्च होगा, तब तक इसकी चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो इनका कोई कैंपेन रन हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ आपको ईमेल आईडी डालनी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो जब भी ये लॉन्च होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये टाइप सी वाली ये हमने लगा दिया यहाँ पे चार्जिंग। तो हाँ ये केस चार्जिंग इस तरह से होता है, 75% बैटरी है, 25% के 4 यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं। पेयरिंग ईजी है, बस इसे बॉक्स से निकालिए फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड पे चले जाएगा। थोड़ा सा इसके टच सेंसर के बारे में मैं आपको अभी आराम से बता देता हूँ कि टच सेंसर कैसे काम करता है। तो ये जो हिस्सा है ऊपर का, ये टच सेंसर है। अब टच सेंसर किस तरह से काम करेगा, मैंने जब इसे पेयर कर लिया था तो मुझे साउंड नहीं आ रही थी, वो टच सेंसर की वजह से मेरे को पता चला कि इसकी वॉल्यूम बिल्कुल माइनस में चली गई थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूज़र मैनुअल से मुझे मिल गई। करना क्या है, राइट वाले को अगर आप टच करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेफ्ट वाले को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम जो है माइनस में चली जाएगी। कॉल के लिए बस आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं, किसी पे भी टच लेफ्ट या राइट वाले पर टच कर सकते हैं तो कॉल रिसीव कर सकते हैं। कॉल रिजेक्ट करनी हो तो 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं सिंगल क्लिक से, और आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो सीरी को यूज़ कर सकते हैं सिंगल टच सेंसर से। अब यहाँ पर इसके साउंड क्वालिटी के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ। अब मेन चीज़ आती है कि इसकी साउंड कैसी है। अगर आप म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और बेस पसंद करते हैं तो फिर ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका बेस जो है, जितने भी मैंने एयरबड्स बाकी रिव्यू किए हैं उसके मुकाबले में इसका बेस काफ़ी कम है। वोकल्स तो क्लियर है लेकिन बेस काफ़ी कम है।
तो बैटरी लाइफ जो है उसकी तकरीबन 5 घंटे चल जाती है। और फिलहाल में चल रहा है इसका कैंपेन, तो डिस्क्रिप्शन में कैंपेन है, चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बेस वाले ट्रू वायरलेस एयरबड्स चाहिए तो मेरे बाकी वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ और अमेजिंग गैजेट्स के साथ में, कुछ नए टेक के साथ में।